और इटली की प्रधानमंत्री इस वक्त राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक सेरेमोनियल रिसेप्शन इटली की प्रधानमंत्री इस वक्त तस्वीरों में और प्रधानमंत्री के साथ में शेक हैंड की ये तस्वीरें और दोनों ही नेताओं के चेहरों पर खुश मिजाजी के साथ में एक दूसरे का स्वागत करते हुए और राष्ट्रपति भवन में इटली की प्रधानमंत्री का स्वागत और प्रधानमंत्री की मौजूदगी और यहाँ पर निश्चित तौर से जो एक रस्म अदायगी नहीं बल्कि एक अपने आप में सम्मान देने का जो भाव होता है वहाँ नज़र आएगा। यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और इटली की प्रधानमंत्री के सम्मान में यहाँ पर रेड कारपेट बिछा हुआ दिखाई पड़ रहा है जिस पर वो चलती नज़र आ रही है। भारत अपने इस मेहमान को सम्मान दे रहा है, ये इस बात का प्रतीक होता है और उनकी मौजूदगी ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि भारत और इटली के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से किस तरीके से बात बढ़ेगी। निश्चित तौर से राष्ट्रपति भवन की ये गारद जो कि यहां पे सलामी देगी।
रायसेना डायलॉग का 8वां संस्करण आज से शुरू होने जा रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी चीफ गेस्ट है, मुख्य अतिथि हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। रायसेना डायलॉग का 3 दिन के सम्मेलन में 100 देश शामिल हो रहे हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें जहां पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत यात्रा पर आई हैं। प्रधानमंत्री से शेखहैंड के बाद में प्रधानमंत्री के कैबिनेट के तमाम जो सहयोगी सदस्य उनके साथ में एक परिचय होता हुआ, तमाम केंद्रीय मंत्री और तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो केंद्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं, सेना के अधिकारी उनके साथ में एक परिचय, मुलाकात, शेखहैंड। और इसके बाद में निश्चित तौर से हम वो तस्वीरें भी देखेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया की एक तस्वीर साझा तौर पर सामने आएगी। निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण मौका और ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे भारत और इटली अब और ज़्यादा करीब आ रहे हैं आपसी सहयोग को लेकर। और प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ जो प्रतिनिधिमंडल आया उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मुलाकात करते हुए, परिचय प्राप्त करते हुए, निश्चित तौर से ये शिखर का वो दौर, एक औपचारिक मुलाकात और प्रधानमंत्री इस शिष्टमंडल का भारत में अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और निश्चित तौर से ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारत और इटली के आपसी संबंधों को मजबूती देने के लिहाज से ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। भारत की G20 अध्यक्षता की पृष्ठभूमि में इस वर्ष का संस्करण विशेष महत्व रखता है। Nel mio primo viaggio bilaterale in Asia dall'inizio del mandato, nel 75esimo anniversario delle nostre relazioni bilaterali, che sono certa riusciremo a rafforzare. Grazie. भाषा भले ही अपने आप में अभी समझ में ना आई हो लेकिन चेहरे के जो भाव हैं वो ऋतु साफ समझ में आते हैं कि चेहरे की खुशी इस बात को दर्शाने के लिए काफ़ी थी कि जो उनका स्वागत हुआ, इस्तकबाल हुआ, उससे वो खुश नज़र आ रही हैं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। और उन्होंने निश्चित तौर से इस बात के लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया होगा और अपने इस यात्रा को कैसे एक तरीके से दोनों देशों के बीच में एक महत्वपूर्ण संबंधों का आधार बनेगा उस दिशा में भी बात रखी होगी। और ये और अब से थोड़ी ही देर में दोनों ही देशों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी अब से थोड़ी ही देर में। ये औपचारिक स्वागत की तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से। बिल्कुल, ये पावरफुल क्लिक कह सकते हैं क्योंकि दो देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रांगण में मौजूद, शेखहैंड किया, खुशी के साथ में इस्तकबाल हुआ और निश्चित तौर से इस वक्त अपनी कुछ बात को साझा करती हुई प्रधानमंत्री मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में और वो निश्चित तौर से खुश नज़र आ रही। चेहरे के भाव इस बात को साफ तौर पर इंगित कर रहे हैं कि उनकी ये भारत यात्रा को लेकर वो उत्साहित हैं और उन्हें खुशी है और नमस्ते भी, शेकहैंड भी, ये दोनों चीज़ें अभिवादन में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं। ऋतु, जिस बात का जिक्र आप कर रही थी, रायसेना डायलॉग का 8वां संस्करण, 100 से ज़्यादा देशों के बड़े बड़े दिग्गज लोग इस वक्त इसमें शिरकत करने के लिए अपनी मौजूदगी और मुख्य अतिथि के तौर पर रायसेना डायलॉग में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मौजूदगी और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण तस्वीर हमने इस वक्त देखी किस तरह से राष्ट्रपति भवन में जहां पर इटली की प्रधानमंत्री का औपचारिक तौर पर स्वागत किया गया। जी, और आइए एक बार फिर लौटेंगे 3 राज्यों के जनादेश को लेकर। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी NDPP के साथ तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है।